सारे बॉर्डर जेड़े ने उन्हां दा एक हिस्सा खोल दिता गया है। 29 फरवरी तक फिलहाल किसानां दे वल्लों दिल्ली कूच जेड़ा मुलतवी किया गया सी। टिकरी बॉर्डर तो बाद सिंघू बॉर्डर की सर्विस लेन नूं आम जनता दे लई खोलिया गया है। लोगों की परेशानी घट करन दे लई इह जेड़े बॉर्डर ने उह खोले गए ने। तां लगातार शंभू अते जो खनौरी बॉर्डर सी उहनां नूं सील किया गया। पंजाब अते हरियाणा दे बॉर्डर जेड़े ने उहनां दी हद्दां सील सी। लोगों नूं बहुत ज़्यादा परेशानियां दा सामना करना पै रहा सी। तां फिलहाल जिहड़ी सर्विस लेन है उस नूं खोल दिता गया ता जो आम जनता जिहड़ी है उहनां नूं किसे तरह की परेशानी ना होवे। तां इह सिंघू बॉर्डर दिल्ली की तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे एक हिस्सा जिहड़ा है यानी कि सर्विस लेन जिहड़ी है उसनूं खोल दिता गया। तो लगातार किसान पंजाब हरियाणा दीआं सरहदां दे उपर अपनीआं पेंडिंग मंगां मनवाउण दे लई बैठे होए ने। किसानों द्वारा दिल्ली कूच के ऐलान को 29 फरवरी तक स्थगित किए जाने के बाद दिल्ली के तमाम बॉर्डर का एक हिस्से को अस्थायी तौर पे खोला जा रहा है। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं जेसीबी मशीन के द्वारा जो सीमेंटेड ब्लॉक को कंक्रीट के जरिए पूरी तरीके से फिक्स कर दिया था, पक्का कर दिया था, उन्हें अब हटाया जा रहा है। ये सर्विस रोड है जो कि सोनीपत से दिल्ली की तरफ आता है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। इसीलिए अब ये फैसला किया गया है कि इस सर्विस रोड को आम लोगों के लिए खोला जाए ताकि लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। अभी तक लोग पैदल इस बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ जा रहे थे या दिल्ली से जो हरियाणा की तरफ जा रहे थे। अगर हम बात करें आगे भी कई लेयर की जो बैरिकेटिंग है और सीमेंटेड ब्लॉक है उन्हें भी हटाने में अच्छा खासा वक्त लगेगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की जो तैनाती है वो जस की तस है, लेकिन लोगों को कम से कम असुविधा हो इसको ध्यान में रखते हुए अब पुलिस ने ये फैसला किया है कि हाईवे के एक हिस्से को जो है वो लोगों के लिए खोल दिया जाए ताकि यहाँ से लोग जो है बिना रोक टोक के जो है दिल्ली में दाखिल हो सके।